Hi, welcome to my channel. This is my second cooking video. यहाँ पर मैं पहले oil डाली, oil डाल के heat होने के बाद onions डाल के, chilies डाल के इसे अच्छी तरीके से पका रही हूँ. अच्छी तरीके से ये जैसा वो brown color में, golden color में ऐसा बन जाना है. अच्छे तरह से भून रही हूँ तब तक ये कलर चेंज ना हो. इस टाइम पे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं. ये अच्छी तरह से पका लेना चाहिए, इसका स्मेल चले जाए. अच्छे तरीके से ऐसा पक गया था. इस टाइम पे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा गरम मसाले ला, ऐसे मसाले डाल के थोड़ी देर इस तरीके से भून लेना चाहिए. इसके बाद हमें टमाटो डालना चाहिए. टमाटो भी इसे अच्छी तरीके से पका लेना चाहिए. अब अंडे पक चुके हैं, हम टमाटा पक चुके हैं, अंडा डालना चाहिए. इस तरीके से वन सेकेंड थर्ड. मैं ये चार अंडों का बना रही हूँ, तो चार अंडे फोर एक्स डाल के इस पॉइंट पे थोड़ा सॉल्ट डालना चाहिए. सॉल्ट डाल के और फाइनल टच धनिया पत्ता. फाइनल टच धनिया पत्ता डाल के अब इसे ढाप के लगे, ढाप डाल. अब इस पोजीशन में ढक्कन काढ़ के हमें इन अंडों को थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करना. स्मैश मत करना, स्मैश मत करना, इसे हल्का हल्का से फैल डालना, टर्न करना. टर्न करके फिर से लिड लगा देना. इस तरीके से लिड लगा के एक 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे रख देना. इस तरीके से इस तरीके से सब पलट 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 के अंडों को पलट पलट के अच्छी तरीके से पका लेना चाहिए. इस तरीके से अच्छी तरीके से पलट पलट के, तो लेकिन अब नहीं टूटेंगे, इतना नहीं टूटेंगे, लेकिन केयरफुल रहना. और इस टाइम पे अब आपको थोड़ा नमक या कुछ भी, मैं थोड़ा नमक कम दिख रहा, तो आपके टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर सकते हो.
ये मेरा एग फ्राई बहुत टेस्ट टेस्टी रहेगा। तो आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।